इधर महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर भारतीय टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में देश के ब्लाइंड फुटबॉलर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। भारत में अगले साल ब्लाइंड वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ होगा और इस वक्त हमारे साथ महिला ब्लाइंड टीम के हेड कोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रारूप होगा और कब ये ऑर्गेनाइज होगा, डेट्स क्या हैं, इसके बारे में बताइए, किस तरीके का ये चैंपियनशिप होगा? ये है सेकंड IBSA वर्ल्ड वुमेन्स चैम्पियनशिप्स। ये रहेंगे 5 से 15 तारीख अक्टूबर 2025 कोच्ची केरल में होगा ये गेम्स। ये पहले बार पैरा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और वो भी विमेंस का। ये बहुत अच्छा चांस है विमेंस फुटबॉल दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारा वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग भी है और अच्छा प्लानिंग है हमारा LA 2028 का जो रोड मैप आगे रहेंगे। इसमें कितनी टीम्स हिस्सा ले रही हैं और किस किस कंट्री के खिलाड़ी आ रहे हैं इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में? वर्ल्ड फर्स्ट टू 8 रैंकिंग में वो हो रहेंगे जापान, अर्जेंटीना, इंडिया होगा, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, मोरक्को, ये सारे टीम्स आएंगे। ब्लाइंड फुटबॉल कोच के लिहाज से एक आम जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, आम खिलाड़ी होते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इनको ट्रेन करने के लिए? ये ब्लाइंड फुटबॉल कोचिंग टोटली डिफरेंट है फुटबॉल कोचिंग से कंपेयर करने से, क्योंकि इसमें पूरा हियरिंग एंड कम्युनिकेशन है। जो साथ रेगुलर फुटबॉल होते हैं वो एम्फोसिस रहते हैं बॉल ड्रिल्स में या टैकलिंग या स्ट्रेटजी में, ये पहले प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा ग्राउंड तक खेलने के लिए, वो ही है एक सक्सेस। और खेल के उसको दिखा, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देके जैसे खेलना है, जैसे मूवमेंट हो, इसमें सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में, तो वो ठीक है, उसका मैक्सिमम उसका पैर में थोड़ा दर्द होगा, इसमें क्लैशेस बहुत है। पीएम मोदी ने जिस तरह से विकलांग जो वर्ड था, शब्द था, इसको दिव्यांग से रिप्लेस कर दिया, एक दिव्यांग खिलाड़ी के लिए ये किस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है? बहुत ही अच्छा काम पीएम मोदी ने किया है कि ये विकलांग अलग किया है। सभी के लिए एम्फोसिस देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा स्ट्रक्चरिंग और काम और फोकस देना पड़ेगा, वो टाइम लगेंगे। अगर हम वेट करें सालों साल तो ये गेम नहीं बढ़ेंगे। हमें इतना प्रेशर आ रहे हैं प्लेयर्स के साथ ही कि चलो सर हम खेलना चाहते हैं तो खेलना है, मगर सब फैसिलिटी डिफ़िकल्ट है। हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट शुरू करें और जब तक हम चला सकते हैं चलाएंगे, गवर्नमेंट का साथ के साथ एक साथ बढ़ाएंगे ये गेम। तो ये थे ब्लाइंड टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में खेलों को लेकर माहौल बदल रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग से रिप्लेस किया है, ये निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों में एक नई उमंग भरने वाला है और ज़्यादातर खिलाड़ी खेलों से जुड़ रहे हैं, अपने आप को मैदान पर सामने रख रहे हैं। सुशील कुमार, DD News।